फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है अंडा पराठा। आज उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और गाजर। डालेंगे एग्स, इसमें हमने 3 एग्स लिए हैं जिसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस मटेरियल के अंदर हम मिक्स करेंगे पहले शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, प्याज। इन सबको मिक्स करेंगे। इस मटेरियल के अंदर मिक्स करेंगे हम नमक हसब जरूरत, मिर्च, इन सब मटेरियल को हम करेंगे मिक्स अगेन। अब हम इसमें मिक्स करेंगे आटा 1 कप, इसमें हमने मटेरियल को रखना है दहाई और थिक नहीं होने देना इसको। थिक हो रहा है तो हम इसमें डालेंगे मिल्क, ऐसी इसकी शक्ल होनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे घी, हमने अपने पैन के हर तरफ घी अच्छे से लगा लिया। अब इसमें डालेंगे अपना रेडी मटेरियल। नीचे से पराठा बन रहा है अंडा पराठा, जबरदस्त रेसिपी है ना फ्रेंड्स। आप घर में हमारा पराठा रेडी हो रहा है, बढ़िया जबरदस्त रेसिपी है, आप इसको घर में जरूर ट्राई करिए करना फ्रेंड्स।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी साइड हमने कर दी है, दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये हमारा पराठा अंडा पराठा रेडी हो गया, दोनों साइड इसकी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। इसको हमने फ्लेम तेज किया, हमारा अंडा पराठा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दो तीन बाकी मटेरियल का बनाएंगे। बस ये हम डाल दिया, एक पराठा और रेडी करेंगे, इसी को हम आगे पीछे स्प्रेड कर देंगे। इंतहाई थोड़ा घी ऑयल आपने यूज़ करना है। इसके लिए आप अपना बर्तन लाजमी नॉन स्टिक ही यूज़ करना, उसमें एक तो ऑयल कम लगता है, नीचे चिपकने का भी अच्छा कम होता है।